स्कॉर्पियो यानी अक्रब, तो अक्रब वालों की पोजीशन जो है वो अब कदरे बेहतर हो रही है। मून भी इनका जो है वो दसवें घर आया हुआ है, एसेंडेंट भी इनका काफ़ी बेहतर है। सूरज और अतारत एसेंडेंट को देखते हैं और मरकरी सूरज और जोरा एसेंडेंट को देखते हैं। वीनस को बुर्ज हूत में शर्फ होता है, एग्जॉल्टेड होता है वीनस बुर्ज हूत में, तो काफ़ी बेहतर सूरत हाल बनी हुई है। ये वैसे भी पानी का बुर्ज होता है और ये लोग बड़े पुख्ता जहन होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं, इनके मिजाज में जल्दबाजी होती है, ये लोग हकीकत पसंद होते हैं। रिसर्च से अकरबी घोड़े देर से दौड़ते हैं लेकिन अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। तो इनका जो दूसरा घर है खाना माल है वो भी तकरीबन बेहतर है, यानी मुनाफा नहीं तो नुकसान नहीं है इनके लिए। तो स्कॉर्पियो अकरब जो है अब बतदरीज बेहतर पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो इनका जो तीसरा घर है वो तो बहुत ही अच्छा है, तीसरे घर में जुहल और मुश्तरी का किरान बना हुआ है जो कि बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत किरान है ये मुश्तरी और जुहल का, तो इंशाल्लाह इससे इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, चौथा घर जो है वो बहुत मजबूत है क्योंकि अतारत पड़ा हुआ है चौथे घर के अंदर, मरकरी पड़ा हुआ है और ये ग्यारहवें का लॉर्ड होकर पड़ा हुआ है। और ग्यारहवां घर काय का होता है, मफादात का होता है, यानी जो चौथा घर है इसकी जो भी मफादात हैं वो आप हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे कोई नया घर है, नई सवारी है, नया जायदाद है, प्रॉपर्टी है, कोई ज़रई ज़मीन वगैरह है, या इस तरह की कोई भी सूरत हाल अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह पांचवां घर जो है वो बहुत मजबूत है, इसलिए मजबूत है कि पांचवें का लॉर्ड सितारा मुश्तरी तीसरे पड़ा हुआ है, लेकिन तीसरे घर पर इसकी पूर्ण नज़र है, इस पर नज़र है तीसरे घर के ऊपर, जो कि एक बहुत मजबूत नज़र होती है। मुश्तरी की तीसरी और नामी बड़ी साध नज़र होती है, जिस घर को देखता है उसको बलवान करता है, उसको ताकतवर करता है उसको। तो माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है पांचवा घर। और दूसरा वीनस सितारा जोरा शरफ का होके पांचवा और सन के साथ पड़ा हुआ है, तो ये एक बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है। मुश्तरी का देखना तो पांचवा घर आपका बहुत ताकतवर है, अगर कोई औलाद के हवाले से अगर कोई लोग कोई प्लान कर रहे हैं या कोई लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या डिग्री के हसूल के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, बैरून मुल्क डिग्री के हवाले से कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, तो ये सूरत हाल बहुत अच्छी है इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि इसमें आपको बड़ी हद तक कामयाबी मिलेगी। तो आप ये वक्त आपका पांचवा घर जो है वो बहुत मजबूत है। पांचवें घर की मैंने मंसूबात बता दी हैं, इन मंसूबात में अगर कोई भी ऐसी मंसूबात जिसका आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको भरपूर अंदाज में इस पर वर्किंग करें, इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि कामयाब। मुश्तरी की नज़र है तो बुज़ुर्गों की दुआएँ भी आपके साथ होंगी इसमें और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और इसी तरह सातवां घर जो है, सातवें का मालिक सितारा जोरा लगन से पांचवें पड़ा हुआ है, ये भी लव मैरिज का योग होता है। सातवें का मालिक जब भी पांचवें हो तो लव मैरिज का योग होता है, लेकिन मंगल योग भी बना हुआ है, तो लिहाजा जब भी आपने शादी करनी है तो मैच करके शादी करनी है और मैचिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि सातवें घर में मरीख का होना एक बड़ा कड़क किस्म का मंगल योग होता है। तो ये मैंगलिक जो होते हैं ये बड़े बड़े सख्त किस्म के लोग होते हैं, और अगर आपने इसमें मैच नहीं की तो मैं समझता हूँ कि मामला ठीक भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, तो लिहाजा आपको मैच कर लेना जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है इसमें लिए। तो इसी तरह इनका जो नावा घर है वो एक राजयोग बना रहा है, यानी नावें का मालिक सितारा कमर दसवें, ये एक राजयोग होता है। तो जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है, कोई सफ़र पे जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग पे जाना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए सूरत हाल बहुत अच्छी बनी हुई है। आप इस पे वर्किंग करें इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपको बहुत सारी कामयाबियाँ होंगी, क्योंकि नावा घर जो है, जो जब नावा घर ताकतवर होता है तो खुश नसीबी आपके साथ खड़ी हुई होती है। तो नावा घर जो जायचे में एक बहुत 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 बड़ी अहमियत है नावे घर की, जिन लोगों का नावा घर होता है वो खुश नसीब लोग होते हैं, बहुत खुश नसीब लोग होते हैं। जायचे में नावे घर का मजबूत होना एक बहुत खुशकुन आइन है, मतलब है कि बहुत बहुत मजबूत फार्मूला है नावा घर। इसी तरह जो दसवां घर है वो भी बेहतर है, यानी नावे का मालिक दसवें
वो दसवां वैसे ही ताकतवर हो गया, टेंथ हाउस जो कि आप जॉब के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से, मुलाजमत के हवाले से, कोई आप जो है इसमें कोई सरकारी मुलाजमत के हवाले से, पोस्टिंग के हवाले से, इस तरह की कोई भी सूरत हाल, प्रमोशन वगैरह के हवाले से अगर बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो सामने खड़ी है। और मून का चंद्रमा अगर किसी भी घर में बैठता तो उस घर को रोशन कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छा योग है आपका इस जायचे के हवाले से, जो स्कॉर्पियन लोग हैं उनके लिए पोजीशन बहुत मजबूत बनी हुई है। तो इसी तरह आपका लकी नंबर जो है 954 है, और आपको सदका देना है रेड चीज़ का और ब्लैक चीज़ का, आपको सदका देना है। ये सदका करें इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि स्कॉर्पियन जो है वो इस वक्त बतदरीज एक बेहतर पोजीशन की तरफ जा रहा है।